तो गाइज यहाँ पे अभी मैं एक लाइन लिखूंगा, आपको मुझे उस लाइन का मतलब समझाना है कि उस लाइन का मतलब क्या है, जितना भी आप जानते हो आज तक, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू राइट हियर वन लाइन, सिंपल लाइन है। क्या ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन? इस चीज में ये एक्स क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस एक्स? व्हाट इज दिस? कस्टम वेरिएबल। क्या होता है इस कीवर्ड से? मेमोरी एलोकेट होती है, हीप मेमोरी क्रिएट। रैम के अंदर एक मेमोरी बनाएगा, उस मेमोरी का नाम क्या होगा? हीप मेमोरी। चलो, उस एक बार हीप मेमोरी बन गई तो उसके अंदर वो क्लास लोड किया जाएगा, सही है? सही है। रेफरेंस वेरिएबल कभी भी मेमोरी में नहीं जाएगा, इट इज गोइंग टू पॉइंट आउट दैट पर्टिकुलर मेमोरी। तो हम जैसे कुछ भी चीजों को कॉल करते हैं तो इसी रेफरेंस वेरिएबल का यूज करेंगे, सही है? चलो, अगर मैं ऐसा बोलू कि हमें इस पार्ट के बारे में आइडिया है, इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल, कस्टम वेरिएबल, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, सही है? इस न्यू से क्या होता वो भी हमें पता है। पूरी जावा की दुनिया में एक ही जगह है जहां पे न्यू कीवर्ड लिखा जाता है, वो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इससे ही ऑब्जेक्ट बनता है, वी ऑल नो अबाउट इट। यस और नो? क्लियर है सबको? यस। अब ना आज हमारा फोकस होने वाला है थोड़ा सा आगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी ये चीज क्या है, ठीक है? आज जरा इसके ऊपर फोकस करते। सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ऐसे समझ लो कि हर प्रोजेक्ट में ये चीज होगी, मतलब होगी। आज मैं इसको ना एकदम बेसिक से टिल टॉप तक लेके जाऊंगा। टॉप तक इन द सेंस व्हाट, कि हाउ इट इज गेटिंग यूज इन द कंपनी, ठीक है? बहुत सारी चीजें रहेंगी, मैं चाहता हूँ कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप करें, कोई जल्दबाजी ना हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहली चीज तो ये, क्या पानी फेंक रहा है क्या? नहीं, चलो। सबसे पहली चीज तो ना हम देखेंगे कि ये चीज का मतलब क्या है, यहाँ से क्या हो रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन कुछ तो एक नाम निकलेगा, कोई तो एक टॉपिक निकलेगा, फिर उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानने का ट्राई करेंगे कि उस चीज के रूल्स क्या है, कहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लोग कहाँ कहाँ पे लिखते हैं, हम कब कब लिखेंगे, ये सारी चीजें। देन स्लोली स्लोली आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे जाएंगे और सोचेंगे कि यार इसको लिखने से फायदा क्या होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, या इस चीज का फायदा क्या होगा वो समझेंगे। देन वी आर गोइंग टू हैव सम एग्जांपल्स कि जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस चीज का एक्चुअल कंपनी वाले यूज कैसे करते। सिमिलरली हमें ये भी समझना है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसका यूज कब करना है, ठीक है? तो स्लोली स्लोली हम लोग एकदम एंड तक जाएंगे, लेकिन इसके लिए सबका मूड होना चाहिए पढ़ने का। तो है क्या, चालू कर दे फिर? चलो, सपोज मुझे बताओ, अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूं, मैंने किया x.m1, ठीक है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि बताओ यहां से क्या हो रहा है, व्हाट विल बी योर आंसर? क्या हो रहा है यहाँ से? देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या हो रहा है? क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ से क्या हो रहा है? मेथड कॉलिंग हो रहा है ना, मेथड कॉलिंग हो रहा है, सही है? यस ना, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। देखो ये M1 यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सिमिलरली एक्स भी यहाँ पे ऐसा कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है क्या? यस, की जगह पे गेटिंग अ पॉइंट, मतलब यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉल हो रहा है, यहाँ से भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉल हो रहा है। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से मेथड कॉल हुई, वैसे ही यहाँ से भी एक चीज कॉल होती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं उसको? कंस्ट्रक्टर। यहाँ से क्या कॉल हो रहा है? कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बोलना सिविल वाले लोग, कंस्ट्रक्शन नहीं, ठीक है? वो जल्दबाजी में अपनी आदत होती है ना, वो कंस्ट्रक्शन बोल जाते हैं। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी 10 बार प्रैक्टिस करो बोलने की। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन नहीं, ठीक है? कंस्ट्रक्टर। तो यहां से क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल। जैसे मेथड कॉल होती है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मुझे बताओ, अगर यहां से मैं M1 मेथड कॉल होगी ऐसा बोल रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने कोई भी पैरामीटर डाला है क्या? ऐसा 20, 30 ऐसा कुछ भी लिखा है क्या? नहीं। यानी अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो सही बोलूंगा क्या? आप मुझे बताओ कि यहाँ से अगर मेथड M1 कॉल हो रही है, तो इसका मतलब इस X नाम के क्लास में ऐसी M1 मेथड होनी चाहिए जिसके 0 पैरामीटर हो, सही है? यस। अब गेटिंग अ पॉइंट और नॉट?
है ना, जिसके जीरो पैरामीटर हो, पैरामीटर समझते हो ना, इनपुट वाली चीज, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि नहीं नहीं इसके अंदर हमें 20 पास कर दिया या 20 डाल दिया इसे, तो अब मैं कैसे बोलूंगा पता है क्या, कि अगर यहाँ से M1 कॉल हो रही है 20 वैल्यू लेके, यानी इस X नाम के क्लास के अंदर M1 नाम की मेथड होगी जिसका एक ही पैरामीटर होगा वो भी इंट वाला। Yes. कुछ चीज समझ नहीं आ रही, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, हाँ या ना? Yes. अगर मैं यहाँ से ऐसा कुछ डबल कोट में डाल के पास करता हूँ, जैसे मैंने सागर नाम पास किया, अब मैं कैसे बोलूंगा पता है क्या बोलूंगा, अगर यहाँ से सागर नाम लेके M1 मेथड कॉल की जा रही है तो X क्लास के अंदर M1 नाम की मेथड होगी वो भी एक ही पैरामीटर वाली, जिसका पैरामीटर का एक ही होगा, वो कौन सा होगा, स्ट्रिंग। सही है कि नहीं है? Yes. सिमिलरली अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा वापिस इस X की तरफ, यहाँ से हम बोल रहे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, यानी अब इसके अंदर मैंने कुछ भेजा है क्या 20-30 सागर ऐसा कुछ, यानी जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा तो वो अपने क्लास में ही होगा पहली बात, और उसका भी पैरामीटर क्या होगा फिर, जीरो, क्या होगा, जीरो होगा। चलो ये बेसिक आइडिया क्लियर है कि यहाँ से, अब देखो अगर यहाँ से M1 कॉल हो रही, इसका मतलब वो मेरे को मेरे क्लास में दिखेगी, हाँ या ना? यस yes. yes. और अगर कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो रहा है तो ये भी मेरे क्लास में ही होना चाहिए, यस और नो? यस फॉर श्योर। Yes. और जरा देखते हैं जाके इक्लिप्स के ऊपर, मैं जाता हूँ अपने इक्लिप्स के अंदर और वहां पे मैं एक क्लास लिखता हूँ, ठीक है, या इसी क्लास को यूज कर लू क्या, जेड नाम का क्लास है, चलेगा क्या, अलग से बनाना चाहिए, चलेगा ना, एवरीवन नो हाउ टू क्रिएट अ क्लास, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो इसके अंदर ना मैं एक मेथड लिखता हूँ void M1 नाम की, ठीक है, जो की प्रिंट कर रही है, लेट्स से अज्यूम प्रिंट कर रही हो शुरू, क्या प्रिंट कर रही है, हियर आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड बाय यूजिंग मेन मेथड, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या करेंगे, जेड डॉट, बताओ आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आ गया शुरू, आ गया शुरू, इसका मतलब मेथड कॉल हो गई, इसका मतलब मेथड क्लास में है, दिख रही है क्या, ओके, यहाँ से क्या कॉल हो रहा है बोल रहे थे हम लोग, कंस्ट्रक्टर, क्या कॉल हो रहा है, यानी वो भी अपने क्लास में होना चाहिए, यस और नो, ढूंढो जरा कहाँ पे है, क्लास के बाद, ये चीज पता है हमें, क्या बोलते हैं इसको, पैकेज, इसकी सारी कहानी पता है, क्या इसको कंस्ट्रक्टर बोलूं क्या, नहीं, बोल सकते हैं, नहीं सर, ये क्लास है, चालू यहाँ से हुआ, खत्म यहाँ से हुआ, क्लास क्या होता है भी और नो, क्या इसको मैं कंस्ट्रक्टर बोल सकता हूँ क्या, नहीं, ये M1 मेथड है, यस और नो, यस, इसको Right. ये भी मेन मेथड मेथड है कि नहीं, yes. ये yes, भी कंस्ट्रक्टर है, yes. तो कंस्ट्रक्टर है का, क्वेश्चन है कि नहीं है, कॉल तो हो रहा है, अगर नहीं होता तो एरर आता, देखो इस M1 को मैं हटाता हूँ, देखो अभी एरर आ जाएगा M1 को, देखो दिख रहा है कि नहीं एरर, yes. अब एरर क्यों आया बच्चा बच्चा जानता होगा कि भाई है ही नहीं तो एरर देगा ना, है नहीं तो एरर ही देगा, अगर डाल देता हूँ कंट्रोल जेड करता हूँ, अब देखो चला गया एरर, yes. इसका मतलब नहीं होगा तो एरर आता है बराबर की नहीं, अच्छा यहाँ पे एरर दिख रहा है क्या, इसका मतलब है, इसका मतलब लेकिन दिख रहा है क्या, इसका मतलब डालता कौन होगा रे, जावा, इसको जावा, जैसे याद है जावा डॉट लैंग करके डालता था जावा, वो दिख रहा था क्या, लेकिन है ना, Yes. ये भी लेकिन दिखता नहीं है, इसको कौन डाल रहा होगा, जावा, पता है वो कैसे डालता है, कैसे दिखता है, देखो हाँ मैं कंस्ट्रक्टर लिखने जा रहा हूँ, वो हमें दिख नहीं रहा लेकिन होता है, ठीक है, अब देखो कैसे होता है, पता है क्या, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, यानी जावा बोलता है कि जो तुम्हारे क्लास का नाम है ना वही नाम तुम्हारे कंस्ट्रक्टर का होना चाहिए, पहला लाइन क्या बोला मैंने, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम, लुक्स लाइक अ मेथड, यानी बराबर मेथड की तरह दिखता है, बराबर मेथड की तरह ही, देखो जरा ये अपनी M1 मेथड दिख रही कि नहीं, ये ऐसा एजेड दिख रहा है, बिल्कुल मेथड की तरह दिखता है, बट इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, उसको रिटर्न टाइप नहीं देगा, रिटर्न टाइप बोले तो ये दिख रहा है ना वर्ड,
ऐसे इधर वर्ब में नहीं चलता, इधर इंट भी नहीं चलेगा, इधर कुछ भी लिखो नहीं चलेगा, बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर? तो मैं कैसे बोलूंगा, सेम नेम एज ए क्लास नेम, सेम नेम एज अ क्लास नेम, लुक्स लाइक अ मेथड बट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर. एज Instructor. Let me repeat again. Same name as a class name. Notebook बंद. बंद करो notebook. नहीं चाहिए. पहले दिमाग में लो. अगर दिमाग में आया तो notebook लो. ठीक है? मौका मिलेगा आपको लिखने की. Let me repeat again. Same name as a class name. Looks like a method but does not have return type. Called as constructor. Yeah. Once more. Same name as a class name. Looks like a but does not have has constructor. यानी जो हमने वो constructor अभी तक दिख नहीं रहा था, जो जावा डाल रहा था, वो कैसा होगा? कुछ इस तरह से. Are you getting my point or not? समझ रहे हो क्या? है ना, इस तरह से होता है. अब मैंने हाथ से लिखा, देखो जावा का फंडा कैसा है. अब मैंने इसके अंदर एक भी पैरामीटर नहीं लिखा, इधर भी एक भी पैरामीटर नहीं है, बात समझे? जावा एग्जैक्टली ऐसे ही डालेगा, कोई चेंज नहीं. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बराबर मेथड जैसे ही दिखता है, ऐसा हम बोले बराबर की डेफिनेशन भी वही स्टेटमेंट है, लुक्स लाइक अ मेथड. यस और नो? यानी इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? तो वी कैन राइट एनी पैरामीटर जावा कोड. मतलब जो तुम मेथड में कर सकते हो ना, वो सारी चीजें तुम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हो. यानी जैसे यहाँ पे प्रिंट किया ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन शो, वैसे इधर भी कर सकता हूँ कि नहीं? आंसर इज यस. जो आप मेथड में कर सकते हो, वो सारी चीजें आप कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हो. नाउ यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंजेस किए क्या? देखो नाउ आई एम गोइंग टू रन इट, देखो आंसर कैसा आ रहा है. अरे गेटिंग अ पॉइंट ऑफ नॉट? किस समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जरा मैं और एक बार आपको फोकस लगाने को बोल रहा हूँ. देखो फोकस लगाओ. जब मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा था तो डायरेक्ट शो प्रिंट हो रहा था, बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग अ पॉइंट ऑर नॉट? मैं कंस्ट्रक्टर भी नहीं लिखता हूं तो भी कंस्ट्रक्टर होगा. क्या बोलते हो? हाँ या ना? डालता हूँ. मुझे बताओ, जब जावा डालेगा तो उसमें वो कुछ प्रिंट कर रहा होगा क्या? नहीं. कुछ प्रिंट कर रहा होगा क्या? अगर प्रिंट कर रहा होता तो शो से पहले आ जाता, बराबर की नहीं? वो जब कर रहा था तो कैसे कर रहा था? फिर एम्प्टी वाला, कुछ इस तरह से. इसलिए जब मैं कितना भी इसको रन करता था पहले, तो मेरे को शो ही दिखता था, मतलब मेथड का आंसर आ रहा था, कंस्ट्रक्टर का आ रहा था क्या? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने हमने कुछ लिखा ही नहीं. अब लिखना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं भाई? तो जो तुम मेथड में कर सकते हो वो सारी चीजें तुम कहाँ पे कर सकते हो? कंस्ट्रक्टर में कर सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? यस. चीज समझ में आ रही है क्या? अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे को ना एडिशन कंस्ट्रक्टर में करनी है, मुझे एडिशन क्या करनी है, कैसे करूंगा? नहीं यहाँ पे करूंगा इंट ए कोमा इंट बी. याद है आपने ऐसे कुछ किया था? Int yes. C is equal to A plus B. याद है कुछ? और यहाँ पे किया था system dot out dot println और यहाँ पे C को print कर दिया. तो getting a point on that. जरा थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे parameter डाले, यहाँ पे आ गया ये. जानते हो क्यों आया होगा? क्यों आया होगा? हाँ करेक्ट. अब ना जैसे जैसे मैंने इसको कॉल किया, वैसे ये ढूंढने लगा ऐसा कंस्ट्रक्टर कि जिसके जीरो पैरामीटर है. बताओ उसको मिला होगा क्या? नहीं. मिला होगा क्या? नहीं. दे दिया ये. अब मुझे एरर निकालना है तो मैं क्या करूँ? इसको डिलीट कर दूं डायरेक्टली कॉलेज के साथ? नहीं. क्या करना चाहिए? पैरामीटर डालना पड़ेगा. कॉलेज में कर देते ना, जिस लाइन को एरर वो लाइन डिलीट. अब ऐसा नहीं करना. अब समझे चला गया एरर क्यों? क्योंकि अब वैसा कंस्ट्रक्टर मेरे पास है जिसके दो पैरामीटर है, दोनों भी नंबर वाले है, तो मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिए. अब मैं रन करता हूँ तो आई विल गेट द आंसर 24. दिख रही चीज? Yes. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक खास चीज देखो, अब मैंने यहां से कंस्ट्रक्टर हटा दिया. अब देखो रे क्या हुआ, क्यों आया होगा? इंटरव्यूअर ना थोड़ा सा घुमा के कान पकड़ेगा,
जैसे लिख देगा और बोलेगा बता इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है या नहीं है, है या नहीं है, 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 है। लेकिन जावा ने पैरामीटर वाला डाला होगा क्या? नहीं, जावा ने कौन सा डाला होगा? विदाउट पैरामीटर, बराबर की नहीं? इसे आ गया ये बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अगर इस सिनेरियो को हम समझ गए ना, तो अब मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ। वो चीज है कि भाई दुनिया में यानी जावा की दुनिया में दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है? जावा की दुनिया में दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है करंट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोले तो विदाउट पैरामीटर वाला, एंड पैरामीटराइज बोले तो विद पैरामीटर। Getting my point or not? Yes. फिर एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको हटा देने से ये एरर निकल गया, बराबर की नहीं? क्योंकि इसको डिफॉल्ट मिला, सही है? अब देखो एक चीज ध्यान से गौर करना, ठीक है? अब मैं यहाँ से वापिस से कंट्रोल जेड करके अपना वाला कंस्ट्रक्टर डालता हूँ, इधर की दो चीजें निकाल देता हूँ, ये मेरे को एरर है। Yes. क्या पता चला, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप वेरीफाई करो मैं सही बोल रहा हूँ क्या, ठीक है? देखो जब मैं कंस्ट्रक्टर लिखता किसी भी टाइप का, चाहे वो डिफॉल्ट लिखो या करंट प्राइस, जब मैं कंस्ट्रक्टर लिखता हूं तो जावा नहीं डालेगा, ठीक है? जब हम लिखेंगे तो जावा नहीं डालेगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे तो जावा डालेगा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो जावा कौन सा डालता था? डिफॉल्ट। मैंने एक टाइप का कंस्ट्रक्टर लिखा, बराबर की नहीं? अब जावा ने डाला क्या? नहीं डाला। अगर डाला होता इधर एरर नहीं आता। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट? एक सिंपल सी लाइन क्या याद रखेंगे फिर, कि भाई कंस्ट्रक्टर अगर हम लिखते हैं तो जावा इंटरफेयर नहीं करेगा, जावा नहीं डालेगा। अगर हमने नहीं लिखा तो जावा वो भी कौन सा डालेगा? वो डिफॉल्ट कौन सा डालेगा? वो ये चीज क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब जरा है ना एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, देखते जरा कितने लोगों के पास कॉमन सेंस है, यानी कितने लोगों का कॉमन सेंस बड़ा है, ठीक है? इसमें मैं कुछ तो प्रिंट करता हूँ, लेट्स से हेलो। चलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर? नेम एज क्लास एज क्लास लाइक अ मेथड एंड डस नॉट हैव रिटर्न टाइप एज मेथड। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता। इंटरव्यूअर का एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, अगर मैं कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप लिखूंगा तो क्या एरर आएगा क्या? यस सर। यस यस सर। व्हाट विल बी द आंसर? एरर आएगा क्या? यस नो। क्या बन जाएगी? मेथड। रिटर्न टाइप बोले तो ये सब हेड लिखा है ना, ऐसी चीज यहाँ पे कौन सा भी टाइप भी हो सकता है सब ना। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई रिटर्न टाइप लिख देता हूँ ना, तो नाउ इट बिकम्स अ, बताओ क्या इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है क्या? है क्या? है। जावा ने डाला होगा डिफॉल्ट वाला, बात समझ गए क्या बोल रहा हूँ? अब मैं अगर यहाँ से जावा हटा दूंगा, अब बताओ क्या इस क्लास में कंस्ट्रक्टर है क्या? कौन सा होगा, जावा ने डाला होगा कि मेरा वाला? जावा तभी डालेगा जब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, इसका मतलब ये मेथड बन गई, यानी मैंने मेथड लिखी, कंस्ट्रक्टर लिखा क्या? तो जावा ने ऐड कर दिया, तो जावा ने गेटिंग अ पॉइंट ऑन नॉट? एक लाइन और ध्यान में रखनी अपने को कि भाई कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है, लेकिन अगर लिखते हैं तो एरर भी नहीं आएगा, वो मेथड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्यों मेथड? मेथड नेम कैन बी एनीथिंग, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है क्या? क्लास के नाम के जैसा ही चाहिए। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इंटरव्यूअर ना जान मुझे कंफ्यूज करेगा, आपको बोलेगा मेरे पास ना एक्स नाम का क्लास है, उसके अंदर मैंने वाई नाम का कंस्ट्रक्टर लिखा, पता चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट? ठीक समझ रहे हो क्या? तो इन सारी चीजों की समरी करके हम इसके सारे पॉइंट्स लिखने का ट्राई करते हैं, ठीक है? पॉइंट्स मैं लिखूंगा आप मेरे नोटबुक पर। सो जो अपन कंस्ट्रक्टर अपने मध्ये लगा रहता है, अपन डिफॉल्ट
ये अभी कंस्ट्रक्टर है नहीं, ये मेथड अवेयर का ये है, ठीक है। चलो लेट मी ट्राई टू राइट डाउन द पॉइंट्स। हम क्या करेंगे बेटा, क्या अब मैं पॉइंट्स लिख के चलूंगा और आप क्या करोगे उन पॉइंट्स को वेरीफाई करोगे क्या वो पॉइंट अपना क्लियर है कि नहीं। सर आवाज क्लियर, लिखना कोई नहीं है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बंद कर देता हूँ एक सेकंड में, सबको म्यूट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइज बंद कर देता हूँ। अब देखो आवाज ये तो है का? हाँ सर ये तो है। यस सर। गाइस जिसके पास प्रॉब्लम है डोंट अनम्यूट, ट्राई टू टाइप इन चैट, आई विल कंसीडर एट द एंड। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पॉइंट्स। कोई लिखेगा नहीं पॉइंट मेरे साथ, मैं पहले लिखूंगा, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, भगवान ने मोबाइल दिया है, फोटो खींच लेना बाद में लगे तो। माँ बाप ने दिया ना, आपने कहा आपके पैसे से खरीदा है। चलो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट होगा मेरा डेफिनेशन वाला पॉइंट, ठीक है। कैसे बोलूंगा मैं, ऐसा लिखता हूँ ना, सेम नेम, इजी वाला लिखेंगे ना, सेम नेम एज अ क्लासमेट लुक्स लाइक अ मेथड बट एनी रिटर्न टाइप कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। Now, second point I'm going to write, if we write return type, then it will become a method. सही है? Now, next point I'm going to write down, next point लिखने जा रहा हूं अभी मैं, if we did not write any constructor in our class, then Java will add automatically, बराबर ना? और कौन सा add करेगा? Default constructor, सही है ये नहीं? So हमने discover कर लिया, there are two types constructor, पहला topic क्या होगा उसका? Default, सही है? दूसरा क्या बोलेंगे फिर? पैरामीटराइज्ड, फिर एक पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। ध्यान देना कि कंस्ट्रक्टर गेट automatically called when we create object of class, सही है क्या? जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, समझे क्या? अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, वी कैन राइट एनी वैलिड कोड इन साइट कंस्ट्रक्टर। चलो ये कुछ पांच छह पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, जरा वेरीफाई करो सारे क्लियर है क्या? ये दिखता कैसे? वो क्लियर हो गया ना, सेम नेम एज अ क्लास नेम, लुक्स लाइक अ मेथड बट डज नॉट हैव स्टूडेंट टाइप, देंगे तो ये रहता है क्या? नहीं, वो मेथड बन जाएगी, है ना। अगर मैंने मेरे क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा होगा क्या होगा? सही है, अगर मेरे मेरे क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जावा ने डाला हुआ, सही है कि नहीं? अगर मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर लिखता हूं तो जावा नहीं डालेगा, ये भी बात क्लियर है? ये बात क्लियर है। जब कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉलेज, व्हाट वी कैन राइट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, एनी वैलिड जावा कोड, सही है। कोई भी जावा का कोड जो हम मेथड के अंदर लिखते हो सारी चीजें हम कहा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में कर सकते।
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. दो तरह के टाइप होते हैं कंस्ट्रक्टर के, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एज वेल एज, डिफॉल्ट बोले तो जिसके जीरो पैरामीटर, सही है कि नहीं, और पैरामीटराइज बोले तो जिसके, अच्छा कितने पैरामीटर लिख पाएंगे हम लोग, अनलिमिटेड मित्र जैसा ही है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कोमा लगा लगा के जितने लिखने हैं लिख दो. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. अब देखो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन फिर से एक बार, ठीक है, बताओ कि एक क्लास के अंदर मैं कितने कंस्ट्रक्टर लिख पाऊंगा. कितने लिख सकते हैं? अनलिमिटेड. देखो कॉपी करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करता हूँ. इसने तो एरर दे दिया. क्यों? यस, आंसर इज करेक्ट कि हम एक क्लास में अनलिमिटेड कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं. बस एक ही शर्त है, पैरामीटर अलग अलग होने चाहिए. क्या याद रखोगे? वी कैन राइट एन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास. अपने एक क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं. बस एक कंडीशन है, पैरामीटर क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, अलग करने पड़ेंगे, डिफरेंट करने पड़ेंगे. कि जैसे कि यहाँ पे अब अलग करने पड़ेंगे, मतलब इधर ए है इधर बी, ऐसा नहीं समझना. बात समझेगा? क्योंकि जस्ट नेम है, नेम कैन बी एनीथिंग. टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. बात समझे कि नहीं? यहाँ पे लेट्स से मैंने स्ट्रिंग कर दिया. ऐसे कितने कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूँ मैं? कितने लिख सकता हूँ? अनलिमिटेड. नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? पैरामीटर हर समय अलग अलग करने पड़ी. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. जैसे कि इसमें मैंने लिखा हेलो, इसमें लिखा मैं हेलो इंट वाला, ये इंट वाला कंस्ट्रक्टर है ना, इसको करता हूँ हेलो स्ट्रिंग वाला, ठीक है. अब देखो जरा ध्यान देना, यहां से मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, आंसर क्या आएगा? हेलो शो, क्या आएगा? हेलो एंड शो, सही है. रन करूं क्या? आ गया. अब मैं इसके अंदर ना कुछ तो नंबर भेज रहा हूं 12. अब बताओ आंसर क्या आएंगे? आंसर क्या आएगा? हेलो इंट वाला, इंट वाला, हेलो इंट वाला एंड शो. समझेगा सब लोग? हां, नंबर वाला चीज है, इनके पास जाएगा, यानी ये कॉल होगा. ये कॉल होगा क्या? ये भी कॉल होगा क्या? सिर्फ ये कॉल होगा, बराबर ना? तो आंसर क्या आना चाहिए? हेलो इंट वाला एंड शो. रन एज जावा एप्लीकेशन. देखो आया कि नहीं? अगर मैं इधर कोई नाम पास करता हूं, लेट्स से जेवी, अब बताओ हेलो स्ट्रिंग वाला शो होगा. हेलो स्ट्रिंग वाला एंड शो. किस समझ रहे हो क्या? यानी अगर कितने भी कंस्ट्रक्टर लिखो, कौन सा कॉल करना है ये हमारे हाथ में होगा. बात समझे कि नहीं? जिसको हम कॉल करेंगे वही कॉल होगा, कोई और होगा क्या? नहीं. बात समझे का मैं क्या बोल रहा हूँ? अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना. देखो मैंने पहले डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, फिर भी शो एज इट इज आ रही थी, M1 सेम तरीके से चल रही थी, ठीक है. फिर मैंने यहाँ पे कुछ तो नंबर लिखा 12, फिर रन किया तो आंसर आया हेलो इंट वाला एंड शो एज इट इज आया, फिर से M1 एज इट इज चल रही थी. फिर मैंने यहाँ पे कुछ तो नाम पास किया था, लेट्स से जेबी के ऐसा कुछ तो, फिर भी ये जेबी का कंस्ट्रक्टर चल गया, लेकिन शो एज इट इज चल रहा. यानी कंस्ट्रक्टर कोई भी कॉल करो, मेथड को फर्क पड़ रहा है क्या? पड़ता है क्या फर्क? पढ़ना भी चाहिए क्या? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? क्लियर? इस चीज को याद रखें. गेटिंग अ पॉइंट ऑफ नॉट कि भाई कंस्ट्रक्टर कौन सा भी कॉल करो, मेथड एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं. वो जैसा पहले था वैसे ही दूसरे के लिए भी रहेगा, वैसे ही तीसरे के लिए भी रहेगा एंड सो ऑन. गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? इस मुद्दे को याद रखना, थोड़ी देर बाद में जब एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा ना तो आपको इसी के बारे में पूछूंगा, ठीक है. कौन सा पॉइंट? कि भाई कंस्ट्रक्टर कौन सा भी कॉल करो, मेथड को घंटा फर्क नहीं पड़ता. गेटिंग अ पॉइंट? चलो अब ना ये सारे कंस्ट्रक्टर कैसे दिखता है, कैसे लिखा जाता है, कौन लिखता है, कौन कब लिखता है, कब कॉल होता है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में अभी क्लियर है. हायाना? हायाना? सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई एक बात दिमाग में आती है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखते हैं, जो मेथड में लिख सकते हैं वही चीज कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं, बराबर कि नहीं? तो फायदा क्या हुआ? तो फायदा क्या हुआ? सही है कि नहीं है?
अगर जो चीज मेथड में लिख सकते हो वही कंस्ट्रक्टर में लिखनी है तो क्या ये फायदा मेथड में ही लिख लेते ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो इसका फायदा क्या है, सिंपल मैं चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मुझे मेथड से पहले कुछ कॉल करना है तो वो चीज मैं कंस्ट्रक्टर में लिखूंगा। स्टेटमेंट समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझे फिर से ध्यान से सुनो। अगर मुझे मेथड से पहले कुछ कॉल करना है तो वो चीज मैं कंस्ट्रक्टर में लिखूंगा। क्लियर है? याद करो जरा सा, हमने जब भी कोई मेथड कॉल करी पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ होगा, चाहे कितने आपने आज तक 4-5 होमवर्क कर लिए बराबर की नहीं, 10-10, 12-12 मेथड कॉल की होगी, बात समझे कि नहीं, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल किया गया होगा क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग सिंपल सा, व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द फायदा ऑफ कंस्ट्रक्टर? अगर मेथड से पहले कुछ करना है तो कहां पे लिखो? कंस्ट्रक्टर में। कहां पे लिखना चाहिए? फिर अगला सवाल ये आता है कि ऐसा क्या काम होगा कि जो मेथड से पहले करना पड़ता होगा। ये तो मान लिया भाई कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है फिर मेथड कॉल करते हैं हम लोग, तो हर मेथड से पहले कंस्ट्रक्टर ही होगा। लेकिन ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि जो हमें मेथड में ही कंस्ट्रक्टर में करना चाहिए? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा बड़े प्रोजेक्ट के लेवल पे कि यार मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में एग्जैक्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। हम समझ क्या रहे पता है इस एग्जाम्पल से थ्रू? हम ये समझने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर में ऐसा क्या लिखा जाएगा जो मेथड से पहले चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो हम ना बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, वहां पे अपने को बहुत सारा चीजें दिखती है बराबर की। अब देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, जरा ध्यान देना लाइन पे, कि भाई रियल प्रोजेक्ट में जब कोई बटन दबाया जाता है तो होती है मेथड कॉल। क्या बोला मैंने? प्रोजेक्ट में जब कोई बटन दबाया जाता है तब क्या होता है? मेथड कॉल। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मान लो कि ये कोई लॉगिन वाला पेज है, यहाँ पे यूजर नेम मांगेंगे, यहाँ पे पासवर्ड मांगेंगे और यहाँ पे एक होगा बटन, लॉगिन का बटन। किसका बटन होगा ये? यहाँ पे हम डालते हैं यूजर नेम, यहाँ पे डालते हैं पासवर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मुझे बताओ, मैंने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, बटन दबाया ही नहीं, लॉगिन होगा क्या? होगा क्या? लॉगिन कब होगा? जब मैं लॉगिन बटन दबाऊंगा। तो ये कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, मैंने अगर यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला फिर लॉगिन बटन दबाया फिर भी लॉगिन होगा क्या? इसको किस ना किस तरीके से पता चलता होगा ना, यूजर नेम गलत है या पासवर्ड गलत है, समथिंग लाइक दिस। पता है कैसे होता होगा? जैसे हम लोग ना ये बटन दबाते होंगे लॉगिन नाम का, जावा के अंदर एक मेथड कॉल होती होगी, इसका नाम हो सकता है लॉगिन हो, और यहाँ पे वो दो पैरामीटर लेती है जैसे कि स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उन्होंने लॉजिक लिखा होगा जहां पे वो चेक करते होंगे कि भाई यूजर नेम पासवर्ड सही है या गलत। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी ये मेथड कॉल कब हुई? जब बटन दबाया गया। लेकिन वो बटन दिखने के लिए पहले वेबसाइट खुली होगी कि नहीं? और हम ये भी जानते हैं कि नहीं, जावा में ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही मेथड कॉल की जा सकती है। यस और नो? देखो अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं ना तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या होता है प्रोजेक्ट में? जैसे हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जब वेबसाइट खुलने के बाद हम कोई भी बटन दबाते हैं इसका मतलब क्या होता है? मेथड कॉल होगी। कुछ चीज समझ में आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग ऑन सम ऑफ द वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे गया, लेट्स से इंफोसिस की वेबसाइट infosys.com है ना, एक इंफोसिस की वेबसाइट पे जाते हैं। अब देखो ये वेबसाइट खुली है बराबर की नहीं? अब ये वेबसाइट खुल गई ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बन गया है। इसका मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब जैसे ही मैं किसी बटन पे जाके क्लिक करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे करियर नाम का बटन दिख रहा है क्या?
जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कोई करियर नाम की मेथड होगी वो कॉल हो जाएगी, और जैसे वो कॉल होगी उस मेथड के अंदर शायद ये लॉजिक लिखा होगा कि ये डेटा लेके आए। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डेटा लेके आए। आप किसी और भी वेबसाइट पे जा सकते हो, जो आपकी मर्जी। सपोज मैं गया अमेजोन के ऊपर, अब मैंने जैसे ही वेबसाइट खुली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। मीटिंग अकाउंट आर नॉट, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, जो हम मेथड में कर सकते हैं वो सारी चीजें। यानी यहाँ पे ये जो दिख रहा है चेयर वेयर वगैरह जो भी चीज है ना, कैसा ये सब कुछ, ये मोबाइल वोबाइल वॉचेस वॉचेस, ये सब कहाँ से आया होगा, कंस्ट्रक्टर से कॉल के अंदर ये चीजें लाने का लॉजिक लिखा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब जाके मैं कोई बटन दबाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया लेट से कुछ तो बाय अगेन, या फिर बेबी गिफ्ट या गिफ्ट आइडियाज, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मेथड कॉल क्लिक कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ होगा, एक मेथड कॉल हुई होगी जहां से ये कंटेंट लोड हुआ होगा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट। आगे चल के वापिस जहां जा, अब ये बटन दबा दिया हमने, यहाँ पे भी क्या होगी, एक मेथड कॉल होगी, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पे कुछ तो डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, अब ये मेथड के अंदर से लोड हुआ है। किस समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड कॉल एंड कंस्ट्रक्टर कॉल, इस चीज को पहले ध्यान से समझो, पूरा दिमाग लगा के पूरा फोकस से, बहुत जरूरी है। जब भी वेबसाइट खुलेगी हम कुछ बटन नहीं दबाएंगे फिर भी कुछ डेटा आता है, वो डेटा आया किसकी मदद से, कंस्ट्रक्टर की मदद से। क्यों? क्योंकि जैसे वेबसाइट खुली ऑब्जेक्ट बन गई। गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट। फिर जब हम कोई बटन दबाते हैं तो मेथड कॉल हो, क्या कॉल होगी फिर, मेथड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो अगेन ऑन द वेबसाइट, अब देखो ये मैंने बस वेबसाइट खोली, इसका मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बात समझे कि नहीं। देखो ये कार्ट में भी कुछ ना कुछ आया है, ये भी कहां से आया होगा, कि कंस्ट्रक्टर से ही कॉल से आया। बात समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ऐसी चीज जो हम चाहते है कि मेथड से पहले हो जाए, सही है, कोई भी बंदा कोई भी बटन दबाने से पहले वो चीज हो जाए, ऐसी चीज का कोड हम कहा लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर। गेटिंग अ पॉइंट ऑफ नॉट। लेकिन यार ये तो कैसा हो गया, नहीं थ्योरेटिकल एग्जांपल को, नाउ वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन यूज द कंस्ट्रक्टर, चीज समझेगा। लेकिन उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इक्लिप्स करने से पहले एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कौन सा क्वेश्चन बताओ, एक क्लास में हम कितने कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, कितने भी कंस्ट्रक्टर लिखते तो मेथड को फर्क पड़ता है क्या, तो क्या फायदा मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखने का, अगर एक कंस्ट्रक्टर लिख के भी मेथड कॉल हो रही है, अपना काम हो रहा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये पहला कंस्ट्रक्टर ये कॉल करेगा तो भी मेथड सही चल रही है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो भी मेथड सही चल रही है, ये तीसरा भी कॉल किया फिर भी मेथड सही चल रही है। अगर तीनों नहीं होते सिर्फ ये की होता तो भी काम चलता कि नहीं चलता, तो व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, इसको भी समझना पड़ेगा कि नहीं, गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट। चल तो फिर अब देखते थोड़ा सा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, वी विल हैव सम रियल टाइम एग्जांपल्स, ठीक है, ठीक है, चलो। सो लेट मी गो ऑन वेबसाइट। अच्छा एग्जांपल करने से पहले ऑनलाइन के क्वेश्चंस लेते हैं, आपके भी क्वेश्चंस बताओ, देन वी कैन कंटिन्यू विद द एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर इज बाय डिफॉल्ट मेथड क्लास प्रोवाइडिंग वो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। हाँ ये किताब वाली चीजें बोलनी नहीं, बिल्कुल भी सिंपल, क्या बोलने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इनवोक, इनवोक ऐसे वर्ड यूज करोगे तो रट्टा मार के आएगा, समझा जाएगा, सीधा निकाल देंगे। कंपनी वालों को प्रैक्टिकल बनने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सर व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में नहीं होता है, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में थी, डिफरेंट फंक्शन नाम पे चीज था, जहां पे चीज थी। बात समझे क्या, जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। सर आवाज क्लियर नहीं है, होपफुल नाउ इट्स क्लियर। समवन माइक इज मेकिंग नॉइस, बंद कर दिया, ये क्या है, इजंट जावा हैज एनी कॉपी कंस्ट्रक्टर, नो,
what is need of for constructor, we have already have a method, so why constructor in Java? अभी उसी का आंसर कर रहे हैं हम लोग कि कंस्ट्रक्टर का काम क्यों, तो थोड़ा सा थियोरेटिकली हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर मेथड से पहले कुछ काम करना है तो कहाँ करेंगे, कंस्ट्रक्टर में करेंगे, और वो क्या काम हो सकता है, तो इसको भी हमने थियोरेटिकली थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर जाके अंडरस्टैंड किया कि भाई जब बटन दबाते हैं तो मेथड कॉल होती है, बटन दबाना कब होता है, जब वेबसाइट खुल जाती है उसके बाद बटन दबा सकते हैं, बराबर की नहीं, मेथड कॉल होती है बटन दबाने से, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाई मेथड तो भी कॉल होगी जब ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी जब वेबसाइट खुली तभी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, यानी ऑब्जेक्ट बनने के बाद वेबसाइट खुली तो उसके ऊपर जो कुछ दिख रहा है वो कहां से आया होगा, कंस्ट्रक्टर, बात समझेंगे नहीं, लेकिन ये कुछ बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की होगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ कोर कंसेप्ट, इसलिए हम अब क्या करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल के बारे में सोचते, बोलो नहीं, क्लास का और कंस्ट्रक्टर का कोई संबंध नहीं है, लुक्स लाइक नहीं, लुक्स लाइक अ क्लास ऐसा मैं बोलूं, कंस्ट्रक्टर नेम लुक्स लाइक अ क्लास, बहुत बड़ा डिफरेंस, हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, क्लास को कॉल नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर में हम लॉजिक लिख सकते हैं, क्लास में लॉजिक नहीं लिख सकते, कंस्ट्रक्टर में ऑपरेशन वाली चीजें लिख सकती है, क्लास में नहीं लिख सकते, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है भाई, जो भी हुआ कहा होगा क्लास के अंदर ही, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता, क्लास नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दोनों में जमीन आसमान डिफरेंस ही नहीं है कुछ, वो अलग चीज ही अलग चीज, गेटिंग माय पॉइंट, चलो एग्जांपल करते हैं, जैसे कि नाम क्या तुम्हारा, पवन, और कॉलेज कौन सा तुम्हारा, पुणे कॉलेज, अच्छा लग देना, क्या बोलते रहे, ये ऐसा है क्या, SHRE जान दे, जीवा पटेल कॉलेज, ठीक है, चलो तो ऐसे इमेजिन करो कि ये पवन है और ये डीवाई पाटिल कॉलेज का ओनर है, ठीक है, फिर से इमेजिन, इमेजिन करना है, है नहीं, इमेजिन करना, ठीक है, इमेजिन करना है नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, कल्याणी, लेट्स से कल्याणी भी है, और वो भी कौन से कॉलेज से, कल्याणी जेएसपीएम, गाइस इंटरव्यू टाइम पे भी ना आप जब इंट्रोडक्शन दोगे तो आपके कॉलेज का नाम बताओगे, बराबर की नहीं, अगर आपके कॉलेज का नाम ऐसा है कि जो किसी ने सुना नहीं है तो डोंट मेंशन, ठीक है, मेंशन द यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, बात समझे कि नहीं, अगर कॉलेज का नाम जाना पहचाना है तो कॉलेज का नाम बोलो, या तो फिर क्या बोल देना डायरेक्टली यूनिवर्सिटी, तो वो बोलेगा फिर कहा ये, तो मेरे से पूछेगा हाँ क्या बोला, क्या बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, तो चलो अब इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, बस बस आवाज नहीं, इमेजिन करते हैं कि पवन इज द ओनर ऑफ डी आर पटेल कॉलेज एंड कल्याण इज ऑल्सो ओनर ऑफ जीएसटीएल, हो सकता है, ठीक है, अब देखो, अब ना ये दोनों ने कॉलेज खोल के रखे तो चैरिटी के लिए तो खोल के रखे नहीं है, आजकल वैसा जमाना है नहीं, एवरीवन इज ट्राइंग टू अर्न द मनी, धंधा चलाना है भाई, बताओ ये पवन अपना धंधा बढ़ाएगा कैसे, माने ये पैसे कैसे कमाएगा, एडवर्टाइजमेंट से पैसे मिलते हैं क्या, एडमिशन बढ़ेंगे तो पैसा मिले, फिर ये बोलो कि एडमिशन कैसे बढ़ेगी, अब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उसके पास कुछ दिखाने के लिए भी होना चाहिए, कहाँ दिखाएं, वेबसाइट पे, तो ये पवन को समझ गया भाई दुनिया बदल गई है, जितना दिखाओगे उतना बिकेगा, तो ये सीधा पहुंच गया एक डेवलपर के पास, लेट्स से कौन बनेगा डेवलपर, कौन बनेगा, अब बता गया नाम है तेरा, मोक्ष, लेट्स से मोक्ष है डेवलपर, कौन सी कंपनी का भाई, विप्रो, लेट्स से मोक्ष है डेवलपर है इंफोसिस कंपनी का, मान लो ओनर है इंफोसिस कंपनी, ठीक है, अब पवन किधर पहुंच जाएगा, डायरेक्टली किसके पास, मोक्ष के पास पहुंच जाएगा, उसको बोलेगा भाई मेरे को धंधा बढ़ाना है, मेरे जहां पे सारी चीजें मैं शो ऑफ कर सकता, स्टूडेंट की प्लेसमेंट से, स्टूडेंट के एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक,
टीचर की सैलरी से लेके टीचर की एब्सेंट प्रेजेंटी तक, स्टूडेंट की एब्सेंटी प्रेजेंटी, एग्जाम कंट्रोल बोर्ड, ये वो सब सब कुछ होना चाहिए उसमें। गेटिंग अप ऑन द नॉट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का डिमांड दे दिया। ये मोक्ष को लगा कि अच्छा ग्रेड मिला, इसने बोला 10 लाख रुपए लगेंगे। कितना लगेगा पैसा? 10 लाख रुपए लगेंगे और 5 साल में प्रोजेक्ट मिलेगा। क्या बोल दिया इसने? 10 साल लगेंगे और 5 साल में प्रोजेक्ट मिलेगा। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 लाख और 5 साल का टाइम। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? पवन को पैसे कमाने थे, उसने बोला कि मैं पहले से लोगों को लूट के बहुत सारे पैसे कमा चुका हूँ, 10 लाख लगा देते हैं। सही है, दे दिए इसने पैसे, प्रोजेक्ट का काम चालू हो गया। अब मोक्ष ने प्रोजेक्ट कैसे बनाया वो देख, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट, क्लास डायरेक्ट क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। न्यू क्लास, लेट्स से कॉलेज, और ये आप बना वॉइड टू एडमिशन। मेथड से क्या लगता है, क्या काम करेगी मेथड? मेथड के नाम से क्या लगता है, क्या करती होगी एडमिशन, क्या करती होगी? हो गया एडमिशन, ठीक है, बन गया प्रोजेक्ट। अब कॉल कैसे होगा? ऐसे ही मेन मेथड जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, कॉलेज सी इज इक्वल टू सी डॉट डू एडमिशन। बताओ काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा काम। लेकिन ये काम, ये प्रोजेक्ट पवन एक्सेप्ट नहीं करे। पता है कि पवन बोलेगा यार मैंने तुझे फूटी कौड़िया नहीं दी, ये 10 लाख दिए, मेरी कॉलेज का नाम तो दिखना चाहिए। आर यू गेटिंग अ पॉइंट ऑर नॉट? वो कब दिखना चाहिए भाई? आपने आपके कॉलेज की वेबसाइट को थोड़ा सा याद करो, अगर ओपन करी होगी कभी तो, कुछ करो या ना करो, वहां पे पहले लिख के आता है वेलकम टू डीवाई पाटिल कॉलेज, कुछ बटन दबाओ या ना दबाओ। बात समझे कि नहीं? यानी ये क्या बोल रहा है, बंदे ने कोई भी मेथड कॉल करने से पहले क्या होना चाहिए, मेरे कॉलेज का नाम दिखना चाहिए। बात समझे क्या? तभी मैं तुझे बाकी का पेमेंट करूंगा, नहीं तो पेमेंट भूल जा। तो मोक्ष ने क्या किया पता है क्या? सिंपल सिंपल एक कंस्ट्रक्टर लिखा। अच्छा नहीं लिखा था तो था नहीं का कंस्ट्रक्टर, हाँ, लेकिन फिर भी उसने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि शुरुआत में ही क्या चाहिए, क्या चाहिए कॉलेज का? याद क्या लिखेगा वो? वेलकम टू डीवाई पाटिल। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जैसे ही कोई बंदा वेबसाइट खोलेगा, कोई भी मेथड होने से पहले क्या हो जाएगा, वेलकम टू, चीज समझ रहे होगा? नहीं क्या बोल, अब जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट बना, ये समझे क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? मेथड से पहले करना मतलब कैसे करना, क्या करना, गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? ये समझ रहे हो क्या? लेकिन नहीं, यहाँ तक बात नहीं रुकी। जैसे ही अपने कल्याण ने देखा कि पवन धनाधन पैसे छाप रहा है, गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, इसके लाइट लग गए। अब इसके भी एडमिशन जा रहे हैं ना उधर, फिर इसने भी अपने गुप्त शास्त्र से पता लगाया कि पवन ने ऐसा क्या किया, तो उसको पता चल गया कि पवन ने एक सॉफ्टवेयर बना के ले लिया है, तो इवेंचुअली कल्याणी भी कहाँ पहुंच जाएगी फिर, बराबर कि नहीं? इसको भी बोलेगी कि यार जैसे तूने पवन को सॉफ्टवेयर दिया मेरे को भी दे, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है? अच्छा मोक्ष क्या करेगा, उसको मना करेगा कि दे? मोक्ष का भी धंधा है कि नहीं है? वो ऐसा ऐसा बोलेगा क्या? नहीं भाई 10 लाख नहीं है, प्रोजेक्ट पहले से बन चुका है, तू एक काम कर 1000 रुपए दे और लेके जा, ऐसा करेगा क्या? नहीं। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वो 10 लाख हो सकता है 12 लाख ले, गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट? कस्टमर बढ़ रहे हैं ना, भाव बढ़ता है। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? वो अपने बाजार का देख लो, अठौड़ा बाजार होता है ना, कस्टमर बढ़े तो भाव बढ़ता है, वैसे इधर भी सीन है भाई। इसने बोला ठीक है भाई, लड़की है, ज्यादा पैसे लेंगे नहीं, 10 लाख ही लेंगे। बताओ प्रोजेक्ट को वापिस 5 साल लगेंगे, लगेंगे क्या? कॉलेज का प्रोजेक्ट है कि नहीं? वो बोलता है कि भाई 3 महीने लगेंगे, कितने महीने लेंगे? 3 महीने क्यों मांगती है कंपनी? इसको बोलते हैं मेंटेनेंस पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? मेंटेनेंस, छोटे मोटे चेंजेस करके फिर देना, एज इट इज नहीं दिया जाता। क्या दिया जाता है? छोटे मोटे चेंजेस करके दिया जाता, गेटिंग अप ऑन द नॉट? तो ये 3 महीने बाद प्रोजेक्ट बनाएगा। बताओ रे, ये छोटे मोटे चेंजेस करेगा मतलब इस प्रोजेक्ट में वो क्या चेंजेस करेगा? कॉलेज का नेम क्या चेंज कर देगा? यहाँ पे क्या लिख देगा? लेस्बियन, सही है? Yes. अगर कॉल होगा तो काम होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं। अगर ऐसा काम अगर मोक्ष करेगा ना तो चप्पल से मार खाएगा, पता है क्यों?
पता है क्यों? क्योंकि पवन आ जाएगा झगड़ा करने, क्योंकि पवन की भी वेबसाइट पे क्या दिख जाएगा बिल, वेलकम टू जीएसटीएम कर, मैं उसका कॉलेज था कौन सा, डीए पाटिल, और उसकी वेबसाइट पे क्या दिख रहा है, वो झगड़ा नहीं करेगा कि अच्छा लड़की इसलिए ऐसा किया क्या, मैं 5 साल तक वेट किया, 10 लाख दिए ना, फिर भी मेरा कॉलेज का नाम नहीं आ रहा, जीएसटीएम का आ रहा है, ऐसा क्यों? बात समझे क्या, मैं क्या प्रॉब्लम समझे क्या, प्रॉब्लम समझे कि नहीं समझे? तो मोक्ष ने ऐसे चेंजेस करने चाहिए क्या, फिर करने चाहिए क्या? नहीं, पता है मोक्ष का दिमाग लगाया, वही आज दूसरा कॉलेज आया है, कल तीसरा आएगा, बात समझे कि नहीं? पुणे के गली मोहल्ले में कॉलेज, धंधा बढ़िया हो सकता है, ये क्या करेगा पता है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा, ये क्या करेगा पता है क्या, ये इधर से निकाल दे, यहाँ पे करके पता है क्या, क्या लिख दिया उसने, यानी जिसको चाहिए वो यूज करो, 1 महीना फ्री, चाहे कोई भी कॉलेज हो, 1 महीना फ्री, और जिसको चाहिए वो मेरे को पैसे देना, और यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल देगा, स्ट्रीम कॉलेज नहीं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देगा, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ वेलकम टू प्लस कॉलेज नेम, अब देखो कौन सा कंसेप्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट वाला, बराबर ना, डिफॉल्ट वाला रन एज जावा एप्लीकेशन अगर करूंगा ना तो क्या आ जाएगा, अरे 1 मंथ प्री एडमिशन सक्सेस, यानी इसको अभी कोई भी कॉलेज यूज कर सकते, लेकिन कब तक, 1 महीने के लिए, अगर आगे सर्विस चाहिए तो पैसे लेंगे, बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे सर्विस चाहिए तो पैसे लेंगे, और जो कोई पैसे देगा उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे कॉलेज का नाम यहाँ पे डाला करो, तो जो डीवाई पाटिल डालेगा उसको आ जाएगा क्या ऑटोमेटिकली, वेलकम टू डीवाई पाटिल, बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई जेएसपीएम डाल देगा तो उसको ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, दोनों साथ में डालेंगे तो ऑब्वियसली 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे कि नहीं, यस और नो, देखो अभी दोनों का भी काम आराम से चलेगा, बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, इस समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ किया मोक्ष ने, मोक्ष ने पता है एक सिंपल सी चीज करी, इसने 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए, एक कंस्ट्रक्टर हो गया फ्री वाला जो हर कोई 1 महीने के लिए यूज कर सकता है, और एक बना दिया परचेस वाला, बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो क्या, किस समझ रहे हो क्या, सो वाई टू राइट अ मल्टीपल कंस्ट्रक्ट, अब देखो आपके क्लास में आपको 2 कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं, गेटिंग अ पॉइंट ऑन, सो वाई टू राइट अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, इसका सिंपल आंसर, टू मैनेज मल्टीपल क्लाइंट, टू मैनेज, तो समझ में आ रही है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, गेटिंग अ पॉइंट ऑन, आपने वो देखा होगा ना डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हर कोई 1 महीना पहले फ्री देता है, और भी क्या करते हैं 1 महीना फिर नेक्स्ट महीने से चार्जेस चालू करो, गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नो, यही फंडा किया, वो एंटीवायरस देखा, अच्छा आप थोड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन देखो हमारा दिमाग कितना चलता है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई भी एंटीवायरस परचेस किया है, बहुत सारे एंटीवायरस थे ना, तो एक ही नेट प्रोटेक्टर एंटी होगा था ना, कितने लोगों ने परचेस किए हैं, अच्छे से परचेस किए भाई, पैसे दिए है, देखो कितने बेवकूफ लोग ये समझो कैसे, कैसे बेवकूफ वो समझे मुझे बताओ, अगर मैं फ्री वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूं तो भी यही मेथड चलेगी, हाँ या ना, अगर परचेस वाला कॉल करूं तो ये भी यही चलेगी, yes. नहीं समझ रहे हो क्या, लेट मी चेंज द नेम, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, ऐसा मानो कि ये एंटीवायरस का कोड है, कौन सा कोड है ये, एंटीवायरस का कोड है ना, 1 महीना फ्री है और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक्टिवेट, एक्टिवेट फॉर 1 ईयर, ठीक है, और ये मेथड में ना मैं ऐसा लिखता हूं स्कैनिंग, मतलब क्या हो रहा है, स्कैनिंग हो रही, अब बताओ यहां से अगर मैं फोकट वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल करूंगा, मैंने 1 मंथ फ्री आएगा, लेकिन स्कैनिंग वही होगी ना, वही मेथड काम कर रही है, चलो फिर यहाँ पे वो कॉलेज नेम नहीं मांगते, क्या मांगते पता है, कि वो प्रोडक्ट की मांगते, क्या मांगते वो लोग,
एंटीवायरस वाले क्या मानते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं कोई प्रोडक्ट के डाल के एंटीवायरस को एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। अब बताओ अब वन मंथ थ्री वाला आएगा क्या, अच्छा आ गया एक्टिवेट फॉर वन ईयर, स्कैनिंग भी हो रही कि नहीं, क्या फायदा परचेस करने को, पता होशियार कौन है, हर महीने में मोबाइल नंबर चेंज, मेल आईडी चेंज, वापिस से वही एंटीवायरस, वो हो गया स्मार्ट। तो खरीद के क्या किया ऐसा बताओ मुझे, यहाँ तक कि नहीं इनका धंधा करने का स्टाइल देखो, ये क्या करते पता है क्या, इस लाइन का काम क्या होता है, प्रिंट करना बराबर की नहीं, ये यहाँ तक नहीं रुकते वन मंथ थ्री, यहाँ पे और लिखते हैं मालवेयर फाउंड प्लीज परचेस फॉर डीप स्कैनिंग, तो होता भी नहीं है मालवेयर, बात समझे क्या, जस्ट अ प्रिंट स्टेटमेंट, ऊपर से आवाज डालते हो टिंग 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 टिंग, चीज समझे क्या नहीं समझे यार, गेटिंग ना पॉइंट ऑन माइंड, ये देखो ऐसा आ जाता है ना एक्टिवेट फॉर वन ईयर, अभी ये कौन सा कॉल हुआ है, एक्टिवेट वाला हुआ है, जब एक्टिवेट वाला होगा तो मालवेयर का प्रिंट नहीं करते हो, बात समझे क्या, जब फोकट वाला कॉल करेंगे ना आप देखो, चीज समझ रहे हो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ऐसा क्या किया आपने परचेस कर, काम तो वही हो रहा है, समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पैसे कमाने के तरीके है, बाकी कुछ बात बाकी समझे, सिंपल चीज है भाई, हाउ टू अर्न द मनी, और कोई उसी के पीछे है, या एंटीवायरस वाले वही कर रहे हैं, कितना ही खर्चा आता होगा उनको एक एंटीवायरस बनाने का बताओ, कितना खर्चा आता होगा, जीरो रुपीज, पहले तो कम से कम आपको सीडी भेजते थे, आजकल बोलते डाउनलोड कर ले प्रोडक्ट की, मैं तुम्हें सेंड करता हूँ मेल करता हूँ, वो भी खर्चा गया, हम खरीदते 800 रुपए का एक, 1000 रुपए का एक, कितने बेवकूफ हो गए हम लोग ना, अरे हुए कि नहीं हुए, आज के बाद एंटीवायरस खरीदेंगे क्या, अरे हाँ या ना, नहीं फिर भी हम गधे ही है, हम खरीदेंगे, कोर लेवल पे समझो, नाउ यू बिकमिंग अ डेवलपर, बात समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, कोर लेवल पे समझो, अब डेवलपर बनने जा रहे हो तो कोर लेवल पे सोचोगे तो आपको अब सिंपल चीज समझ में आएगी, भाई फोकट वाला करेंगे तो भी वही चलने वाला है, और परचेस करके चलेंगे तो भी क्या ही फायदा है परचेस करके, उससे अच्छा है कि ईमेल चेंज करो फोकट में बनता है, चीज समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, इसके भी आगे चल के आपको एग्जाम्पल देने, या सिंपल सी बात सोचो ना, सिंपल सी बात सोचो, मुझे बताओ ये पबजी कितने लोग खेलते रहे, कितने लोग खेलते हो गेम है यार, एनीवन कैन प्ले नो प्रॉब्लम, मैं भी खेलता हूँ, ऐसा कितने लोग है जो खेलते थे, सही है, अब मुझे बताओ पबजी इंडिया में बैन हुआ ऐसा हम बोल, ऐसा और ना अभी बीजेएमआई चालू हो गया वो बता लगे, लेकिन पहले एक दो साल की बात करें पहले की तो क्या बोला जाता था, पबजी बैन हो गया इंडिया की, बैन हुआ मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, बंद हो गया, बैन हुआ मतलब एग्जैक्टली exactly, थोड़ा कोड लेवल पे समझते हो उसको, बैन हुआ मतलब क्या हुआ, बात समझो, ठीक है, बैन हुआ मतलब क्या हुआ, समझ रहा समझा रहा वो समझो इसको, अब मुझे बताओ ये पबजी जो गेम बना वो क्या सिर्फ इंडिया के लिए बना था क्या, नहीं पूरी दुनिया खेल रही थी ना, अच्छा जब हम बोले कि पबजी इंडिया में बैन है तो क्या बाकी सब जगह बैन हो गया क्या, चल रहा था ना, चल रहा था कि नहीं, मतलब क्या हो पता है क्या, जब उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया तो उन्होंने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिखे, क्या लिखे है उन्होंने मल्टीपल, वी नो व्हाई टू राइट अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, अलग अलग क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कंट्री वाइज बना के, जैसे कि सपोज ये कंस्ट्रक्टर बना के रखा है इंडिया के लिए, और लेट से ये कंस्ट्रक्टर है कोरिया के लिए, मे बी आर यू गेटिंग अ पॉइंट ऑर नॉट, अब जब इंडिया के लिए पबजी बैन, इसका मतलब प्ले स्टोर पे दिखना बंद हो गया, इसका मतलब उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने बस इस कंस्ट्रक्टर को गए और कमेंट कर दिया, क्या कर दिया, बस दैट्स शिट, अब जैसे इन्होंने कमेंट किया इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूशन में आना बंद हो गया, जैसे ही आना बंद हो गया देखो इधर आ गया कि नहीं, इसका मतलब वो चल नहीं रहा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑर नॉट, लेकिन मुझे बताओ अगर इसमें मैं कुछ स्ट्रिंग वाली चीज पास करूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, यानी कोरिया वाला चल रहा है कि नहीं, इंडिया में बैन हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया का कंस्ट्रक्टर कमेंट हो गया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉट, चीज समझ रहे हो क्या, लेकिन फिर भी हम लोग पबजी खेलते पता है कैसे, क्या लगाया था आपको ये चीज पता है, मतलब क्या होता है, अरे क्या लॉन्ग फॉर्म बताते हो, मीनिंग बताओ,
इससे क्या होता है, हम किसी और कंट्री के थ्रू एक्सेस करते, और कंट्री के थ्रू एक्सेस करते ये आम जनता की लैंग्वेज हुई। अब डेवलपर वाली लैंग्वेज सुनो, हम किसी दूसरे कंट्री के कंस्ट्रक्टर से अंदर जाते थे। Are you getting my point or not? अगर आपने नहीं किया होगा तो कम से कम यूट्यूब पे देखा तो होगा कि यार अगर हम इंडियन सर्वर से क्रिएट ओपनिंग करेंगे तो गन की स्किन नहीं मिलती, कोरियन सर्वर से करो वीपीएन लगा के। Getting my point or not? Still getting? समझे कि इस चीज को मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? लेकिन पबजी खेलना छोड़ा क्या? नहीं, मतलब उस टाइम पे भी हम कंस्ट्रक्टर का फायदा उठाते थे, बट हमें ये नहीं पता था कि ये काम कंस्ट्रक्टर से मैनेज कर रहे लोग। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारी वेबसाइट इंडिया में बैन है, पता है कि नहीं? टोरेंट वगैरह पता है कि नहीं? स्टिल वी आर एबल टू एक्सेस इट। पता है कैसे? वो लोग वहां पे बकायदा लिख के देते हैं सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, सर्वर फोर। देखा है कभी? वो सर्वर के बटन पे क्लिक कर रहे हैं हम, मतलब दूसरे सर्वर से इनसाइट हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? गेटिंग और नॉट, समझे क्या नहीं? अब सुनो, अब एक छोटा सा एग्जांपल और सुनो, मुझे बताओ अमेज़न क्या सिर्फ इंडिया के लिए बना है क्या? अमेज़न जानते हो ना, सुना है कभी नाम? अरे अमेज़न जानते हो क्या? सुना है नाम? यस सर। अमेज़न सिर्फ इंडिया के लिए बना है क्या, पूरी दुनिया के लिए बना? मुझे बताओ सिंपल सी चीज, आईफोन 14 कितने का मिलता है इंडिया में? आईफोन 14 कितने का मिलता है? एक लाख का पकड़ ले, पकड़ ले अंदर से एक लाख। चलो मुझे बताओ क्या यूएस में भी यही प्राइस होगी क्या? ज्यादा होगी? कितनी होगी? फिर भी अंदाज 80,000। मुझे एक बात समझाओ, अगर दुनिया के लिए अमेज़न एक ही है तो ऐसा कैसे हो गया कि इंडिया में 1,00,000 और यूएस में 80,000? कैसे होगा? सेम फंडा जैसा पबजी के लिए था ना, हर कंट्री का कंस्ट्रक्टर अलग, वैसे अमेज़न ने क्या कर रखा, हर कंट्री का कंस्ट्रक्टर अलग। अगर आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया से अमेज़न खोलते हो तो आपको प्राइस कितनी दिखेगी? 1,00,000, क्योंकि आप इंडिया के कंस्ट्रक्टर से जा रहे हो। बात समझे क्या? अगर आप यूएस में हो, यूएस से अमेज़न खोलते हो तो यूएस के कंस्ट्रक्टर से इंटर करोगे तो वहां पे आपको प्राइस कितनी मिलेगी? 80,000। फिर आपका शायद दिमाग चलता है तो सर एक काम करते हैं ना, वीपीएन लगा के 80,000 में खरीद लेते, खरीद पाएंगे क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं? वीपीएन लगा के पबजी खेल सकते हो तो मोबाइल क्यों खरीद नहीं सकते? खरीद सकते, लेकिन पता है क्या है, अगर वीपीएन लगा के खरीदोगे 80,000 में मिल भी जाएगा, लेकिन डिलीवरी चार्जेस आएंगे 20,000 रुपए। मतलब बात घुमा के क्या हो गई, 1,00,000 वाली हो गई। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर पता है हम क्या करते हैं, अगर अपना कोई मामा चाचा यूएस गया ना, उसको बनाते हैं कुरियर बॉय मेरे लिए आईफोन लेके। पीछे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे कंस्ट्रक्टर के फायदे टू हैंडल अ मल्टीपल क्लाइंट। और एग्जांपल बताओ, आपको देखो ऐसा मैसेज आता होगा नरेंद्र मोदी की तरफ से, यू आर अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द कंट्री, प्लीज गो फॉर वोट। नाम के साथ आता है, कैसे लिख के आएगा ना, हेलो मोक्ष, यू आर वैल्यूएबल एसेट फॉर आवर कंट्री, प्लीज गो फॉर वोट। आता है कि नहीं आता है? जैसे नरेंद्र मोदी मोक्ष को पर्सनली जानता है, आते कि नहीं आते ऐसे मैसेज? चलो और एक एग्जांपल, आपको ऐसा एयरटेल वोडाफोन आइडिया की तरफ से आते होंगे ना, ऐसा आता होगा ना, हेलो अपेक्षा, दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू। आता ही नहीं आता है? अपेक्षा को भी पता होता है कि सेम मैसेज 100 लोगों को और गया होगा, लेकिन उसको भी लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ऑफर है, सब पैसे कमाने के काम है। कैसे किया होगा इन लोगों ने? कंस्ट्रक्टर से ही, जैसे यहाँ पे क्या डालेंगे, वो थोड़ी देर पहले याद है कि मैंने कॉलेज का नाम डाला था, वैसे डालेंगे नेम। मतलब यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करेंगे पता है क्यों? कुछ इस तरह से लेंगे ना कि यहाँ पे बोलेंगे नेम और यहाँ पे बोलेंगे ऐसा हेलो। नहीं, बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं? दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू, ठीक समझे क्या? अब जो भी नाम डाला जाएगा, लेट्स से यहाँ पे डाल दिया मैंने एक नेम, लेट्स से अपेक्षा, अब कैसे होगा रे? हेलो अपेक्षा। बात समझेगी नहीं? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे लोग बस नाम चेंज करते रहेंगे, गेटिंग ना पॉइंट और नॉट, बाकी मैसेज आता रहेगा, उनको क्या लगता है ये ऑफर मेरे लिए आई है, चीज समझे क्या? सिर्फ नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही करता है। अब सवाल यह आता है कि आपके नाम आपके मोबाइल नंबर उसको मिले कैसे? करो और यूज व्हाट्सएप, करो यूज इंस्टाग्राम फेसबुक, चीज समझे क्या? दिस ऑल आर जितने भी प्रोडक्ट्स है ना जो आप यूज करते हो, जो फोकट वाले, ये फोकट में यूज नहीं हो रहे, दे आर रॉबिंग योर डेटा, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेचने के लिए। ये गवर्नमेंट बोलता है ना कि नहीं नहीं पर्सनल ऐप पे रजिस्टर मत करो, ये मत करो, वो खरीदते हैं, वही लोग इन्फॉर्मेशन खरीदते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, किस समझे क्या? उनका जान दो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, लेकिन चीज ऐसी है कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन खरीदी जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, इवन तो आपका कॉलेज भी इंफॉर्मेशन खरीदता है, पता है आपको? एडमिशन के लिए आपने देखा होगा ना, डिग्री का एडमिशन लेना है तो आपको मैसेज आता है, आप उनको बड़ा पता है कि आप 12th पास कर गए, वो खरीदते हैं पुणे यूनिवर्सिटी से, पुणे यूनिवर्सिटी के पास पूरी की पूरी लिस्ट होती है कितने लोग पास हुए, बात समझे क्या? तो उनको डालते फिर टेक्स्ट मैसेज, अवर कॉलेज इज रिप्यूटेड कॉलेज, प्लीज गेट एडमिशन अवर कॉलेज, दिस इज प्लेसमेंट रिक्वेस्ट, प्लीज विजिट अवर वेबसाइट, लिख डाल के होता है, बात समझे क्या? एवरीवन इज ट्राइंग टू पर्चेस डेटा, और वो डेटा आप खुद उनके दे रहे हो, बात समझे क्या? थ्रू योर व्हाट्सएप एंड ऑल, गेटिंग अ पॉइंट। और ये सब होता किस तरह से? कंस्ट्रक्टर का यूज करके। अभी भी चीज समझे कंस्ट्रक्टर का फायदा कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसे बहुत सारे आपको मैं एग्जांपल्स बता सकता हूँ कंस्ट्रक्टर, जहां पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को यूज करके काम किया जाता है। यानी ऐसा समझ लो कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो इसका मतलब आप लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे, मतलब करोगे, क्योंकि आपको मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने ऐसे भी देखे होंगे ना, जहाँ पे ऐसे अलग 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 प्लान भी होते हैं भाई। प्लान कैसे? सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान, प्लैटिनम प्लान, सुना है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं अगर तुम सिल्वर प्लान लोगे तो 400 पे मिलेगा। डिज्नी हॉटस्टार का एग्जांपल ले लो, सिल्वर प्लान लोगे 400 पे मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ ना 420 पिक्सल में ही देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ मोबाइल पे। ज्यादा बड़ा चाहिए तो गोल्ड प्लान ले लो, गोल्ड प्लान मिलेगा तुम्हें 800 रुपए में, जहां पे तुम्हें 720 HD क्वालिटी मिलेगी, तुम मोबाइल पे भी देख सकते हो एंड लैपटॉप पे भी देख सकते हो। और बड़ा चाहिए तो तुम एक काम करो, हमारा प्लैटिनम प्लान ले लो, 1200 लगेंगे, 4K क्वालिटी मिलेगी, मोबाइल पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी, टीवी पे भी लगा दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन? ये कैसे पॉसिबल हुआ अगेन पता है क्या? कंस्ट्रक्टर से, इसके लिए अलग कंस्ट्रक्टर, इसके लिए अलग कंस्ट्रक्टर, इसके लिए अलग कंस्ट्रक्टर, बात समझे क्या? जो जितने पैसे देगा उसके हिसाब से उसको क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, समझे क्या? मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? हेलो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मुझे बताओ, जो 1200 का प्लान खरीदेगा क्या वो 720 में देख नहीं पाएगा क्या? देख पाएगा, उसने पैसे दिए, बराबर की नहीं? वही मोबाइल में देख पाएगा कि नहीं? लेकिन मुझे बताओ कि जिसने 400 का प्लान खरीदा क्या वो 4K में देख पाएगा? गेटिंग अ पॉइंट ऑन नॉट? यानी ये रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लिखी होगी? कंस्ट्रक्टर। समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? टू हैंडल मल्टीपल दी क्लाइंट्स। गेटिंग अ पॉइंट ऑन नॉट? लेकिन ये मल्टीपल क्लाइंट का एग्जाम्पल आप कब बोलोगे पता है क्या? जब सामने वाला आपको पूछेगा, खुद जाके उसको उंगली नहीं करनी। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उसने पूछा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो सिंपल व्हाट इज कंस्ट्रक्टर बताओ, और अगर उसका यूज आपको बताना ही है तो क्या बताओ? इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट एनीथिंग बिफोर द मेथड, देन आई कैन राइट दैट कोड इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। इतना बोलो, चुप रहो। वो अगर इसका एग्जांपल पूछेगा तो कॉलेज वाला एग्जांपल या फिर एंटीवायरस वाला एग्जांपल चिपका देना उसको, या फिर अमेज़न वाला एग्जांपल, या फिर जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पे आए चिपका। बात समझे क्या? जब वो पूछेगा कि why you need to write a multiple constructor, तब ये मल्टीपल क्लाइंट वाली बात बताना, खुद जाके उंगली मत करना, फंस जाओगे, क्योंकि वो और अंदर घुसेगा, बोलेगा बता तुमने करके दिखाए क्या, चल मुझे एग्जांपल करके दे। बात समझे क्या? अगर उस टाइम पे आपको ये सारी बातें मैंने बताई हुई याद नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो चीजों को इंटरव्यू में सिंपल रखो। हम जब पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में डिटेल में जाता नहीं है। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 घंटे में जितनी बातें मैं करूंगा आपको वहां पे 10 सेकंड में बोलनी है। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? और 10 सेकंड में आप जितना बोल सकते हो उतना ही बोलो, वो भी आपको जितना पता है उसके बारे में। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्यों लिखे जाते हैं? टू हैंडल अ मल्टीपल क्लाइंट। लेकिन एज अ फ्रेशर अपने लिए यूज क्या है? बस इफ आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट एनीथिंग बिफोर द मेथड,
then I can write that code inside the constructor. For example, आप दे सकते हो कॉलेज वाला example, जैसे मैंने अभी मोक्ष वाला किया. सिमिलर वे आप लोग और भी कोई एग्जाम्पल एंटीवायरस का एग्जाम्पल दे सकते हो, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ग्रीटिंग मैसेज के भी एग्जाम्पल दे सकते हो. चीज समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला ना हेलो अपेक्षा दिस ऑफर इज ओनली फॉर यू समथिंग लाइक दिस, चीज समझे क्या, ये भी आप चीजें कर सकते हो. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. चलो नाउ आज मेरे क्वेश्चन ऑन द कंस्ट्रक्टर, क्या टॉपिक अपने को समझाएंगे, क्या इस कंस्ट्रक्टर का फायदा अपने को समझाएंगे, सोचो जरा इसके ऊपर, ये सारे सारे पॉइंट के ऊपर नजर डालो. इसमें और दो चार पॉइंट आपको ऐड करने पड़ेंगे अभी, कि यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर है ना. एक रहेगा यूज वाला पॉइंट, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट एनीथिंग बिफोर मेथड देन वी कैन राइट द कोड इनसाइड बाकी आप मल्टीपल वाला लिख लो, टेक अ फोटो ऑफ दिस और फोटो लेने के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोटबुक के ऊपर मेंशन करो. अब मेंशन कर सकते हो और मेंशन करते समय उस पॉइंट को दो बार नहीं तीन बार चेक करो, क्या वो पॉइंट आपके दिमाग में गया. जिस भी पॉइंट के बारे में दिक्कत है रेज योर हैंड, आस्क द क्वेश्चन. कमाल की चीज है कंस्ट्रक्ट. Perfect. है ना, जितने कंस्ट्रक्टर कॉल करने हैं जितनी बार करने हैं उतनी बार क्या बनेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो, सही है कि नहीं है.